आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। 16 जून अमर स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। चितरंजन दास ने अपनी स्नातक की पढ़ाई 1890 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। उसी वर्ष वे ICS क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इस सेवा में अंग्रेजों का वर्चस्व था, दुर्भाग्य से वे फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने विधिक सेवा में आने का विकल्प चुना। इंग्लैंड में रहते हुए चितरंजन दास ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी की जीत के लिए प्रचार किया। मोहन चुड़ा से तो हाते मोहन बाशी। 2 वर्ष बाद वे भारत लौटे और एक बैरिस्टर के रूप में कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक वकील के रूप में चितरंजन दास ने राजनीतिक अपराधों के आरोपी भारतीयों का बचाव किया। वे राजद्रोह के आरोपी ब्रह्म बांधव उपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बचाव पक्ष में उतरे। 1908 में दास को व्यापक श्रेय और ख्याति मिली जब उन्होंने अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। विपिन चंद्र पाल से उनका बहुत निकट सहयोग रहा। दास ने विपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष को अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के प्रकाशन में मदद की। स्वदेशी के विचार में चितरंजन दास की गहरी आस्था थी। कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांव के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का विचार सामने रखा, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन और सहकारी ऋण संस्थाओं की स्थापना जैसे कदम उठाए जाने थे। 1920 तक दास ने ऐशो आराम का जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया और सक्रियता से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। 1921 में आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें पत्नी और पुत्र के साथ 6 महीने की जेल की सजा हुई। दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस में स्वराज पार्टी का गठन किया। इस नवगठित पार्टी का उद्देश्य 1923 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना और काउंसिल चैंबर्स के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से ब्रिटिश राज को समाप्त करना था। पार्टी को केवल 40 सीटें मिल पाईं। ये संख्या कोई विधायी प्रभाव डाल पाने के लिए काफी कम थी। 16 जून 1925 को चितरंजन दास के निधन के बाद ये पार्टी विघटित हो गयी। दास के निधन के केवल 1 महीने पहले महात्मा गांधी दार्जिलिंग में उनसे मिले थे। उनसे मिलने के बाद गांधी जी ने कहा था, जब मैं दार्जिलिंग से लौटा तो बहुत कुछ पीछे छोड़ आया, जिसके बारे में पहले कभी मैंने सोचा तक नहीं था। देश बंधु के प्रति मेरे लगाव और ऐसी महान आत्मा के लिए मेरे प्रेम सद्भाव की कोई सीमा नहीं थी। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि।